हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लस में। दिस इज अनिफ एंड टुडे आई डिस्कस समथिंग्स रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे, और इसमें इंग्लिश लिटरेचर में जो डिस्कस किया जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे एंग्लो सैक्सन को। आप सभी को पता है कि ये जो हिस्ट्री होती है, जो स्टार्ट होती है, ये जो स्टार्टिंग जो पीरियड होता है वो एंग्लो सैक्सन से स्टार्ट होता है। तो उसके कुछ पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इस बीच में जो लिटरेचर चल रहा होता है उसको हम डिस्कस करेंगे, और हम ये देखेंगे कहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे इसके पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो है इस समय जो वर्क्स होता है, लिटरेचर होता है, किस तरह से लिखे जाते हैं, किस तरह से होता था। और बाद में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो उसी जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसी पे कुछ क्वेश्चंस बेस होंगे, तो उसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो इस वजह से आप एंड तक के रहेंगे ताकि पूरी वीडियो आप समझ पाएँ। स्टार्टिंग के पॉइंट्स को यदि आप समझ पाते हैं तो बाद के क्वेश्चंस को आप आराम से हल कर पाएंगे। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप सभी को पता है कि जो स्टार्ट होता है हमारा, ये जो स्टार्ट होता है इंग्लिश की यदि हम बात करें, तो इसका जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर होता है इसकी स्टार्टिंग होती है एंग्लो सैक्सन से। एंग्लो सैक्सन होते ये दो ट्राइब होती है। ये जो है सबसे पहले जो ब्रिटेन जिसको हम जानते हैं, ब्रिटेन पे दो ट्राइब, एक ट्राइब वहां पे रह रही होती है जिसको हम सेल्ट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम? सेल्ट्स के नाम से जानते हैं या केल्ट्स के नाम से जानते हैं। इनको सेल्ट्स या केल्ट्स पढ़ा जाता है, और इन्हीं को हम ब्रिटोन्स भी कहते हैं। यानी कि जो ट्राइब होती है उसी को सेल्ट्स कहा जाता है, ब्रिटोन्स कहा जाता है। ये यहाँ के मूल निवासी होते हैं, यहाँ पे ये कब से रह रहे होते हैं, वी डोंट हैव एनी एविडेंस फ्रॉम वेयर दे हैव बीन लिविंग इन दिस एरिया। ठीक है, ये बहुत ही पुराने समय से यहाँ पे रह रहे होते हैं, वी डोंट हैव एनी एविडेंस। और ये जो ब्रिटोन्स होते हैं इन्हीं के रहने की वजह से, ये जो ब्रिटोन ट्राइब्स होती है इसी के यहाँ पे रहने की वजह से ये जो जगह होती है इसका नाम ब्रिटेन रखा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि इस जगह का नाम ब्रिटेन क्यों पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्राइब्स होती हैं जिनको हम सेल्ट्स या ब्रिटोन्स के नाम से जानते हैं, और इसी के यहाँ पे रहने की वजह से इस जगह का नाम पड़ता है ब्रिटेन। अब ये ब्रिटेन पे आराम से रह रहे होते हैं, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आराम से पीसफुली यहाँ पे रह रहे होते हैं। लेकिन इनके ऊपर एक अटैक किया जाता है। ये कब तक यहाँ पर पीसफुली रहते हैं? 55 BC तक ये यहाँ पर पीसफुली रहते हैं, इनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन 55 BC में इन पे एक अटैक होता है, वो अटैक कई बार होता है, और ये अटैक रोमन्स के द्वारा किया जाता है। रोमन्स जो होते हैं इन पे बार बार अटैक करते हैं, क्योंकि रोमन्स जो होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इनकी आर्मी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो ये जब अटैक करते हैं, इनके अटैक से ये जो है फेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास मोस्ट डोमिनेंट मिलिट्री फोर्सेज होते हैं, और ये मिलिट्री फोर्सेस किसके पास होते हैं? रोमन्स के पास होते हैं। तो रोमन्स जब अटैक करते हैं 55 BC में, तो इनके अटैक को ये झेल नहीं पाते सेल्स, और ये इस युद्ध में क्या होते हैं, हार जाते हैं, जिससे जो रोमन्स होते हैं ब्रिटेन को कॉनकर कर लेते हैं, जीत लेते हैं। अब इसको जीतने के बाद में अक्सर क्या होता है कि कई जगह ऐसे देखा जाता है कि जब किसी कंट्री को कोई कॉनकर कर लेता है तो उसके बाद में वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं उसको भगा दिया जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं, रोमन जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ के इसको कॉनकर कर लेते हैं, जीत लेते हैं, और जीतने के बाद में ये क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो सेल्ट्स या ब्रिटोन्स यहाँ पर पहले से रह रहे होते हैं इनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और उनके साथ ये पीसफुली रहते हैं, उसको वहाँ से बिल्कुल नहीं भगाते हैं, और आराम से उन्हीं के साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो रोमन्स होते हैं, जो सेल्ट्स होते हैं, ये साथ साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं पीसफुली, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। और जो रोमन्स होते हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किसको प्रोवाइड करते हैं? सेल्ट्स को या केल्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। जो दूसरी ट्राइब्स होती हैं इन पर बार बार अटैक कर रही होती हैं, तो उसी ट्राइब के अटैक से इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जो रोमन जो होते हैं इनकी जो लैंग्वेज होती है वो लैटिन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं? लैटिन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। यह किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? रोमन के द्वारा यूज़ किया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए से जेड तक ले करके, ये कहाँ से लिए गए हैं? लैटिन से लिए गए हैं। तो ये जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं फ्रॉम ए टू जेड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। आई होप कि यहाँ तक के पॉइंट आपको समझ आया होगा, किसी को यहाँ तक के कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। इसमें हमने क्या बात किया है कि जो एंग्लो सैक्सन्स थे पहले वहां पे रह रहे थे, उसके बाद में 55 BC में रोमन इन पे अटैक करते हैं, रोमन के अटैक होने के बाद में ये इस जगह को कॉनकर कर लेते हैं, और फिर ये सेल्ट्स के बाद साथ में या केल्ट के साथ में यहां पे रहने लगते हैं पीसफुली। इनको यहां से न तो टॉर्चर करते हैं, ना ही इनको यहां से भगाते हैं। आगे का क्या होता है कि इसी में जो है दूसरी घटना इनके सामने आती है, और दूसरी घटना क्या होती है? दो ट्राइब होती बहुत ही सैविज होती हैं, बहुत ही बर्बर टाइप की होती हैं, बहुत ही जंगली टाइप की होती हैं, जिनको हम जानते हैं पिक्ट्स और स्कॉट्स के नाम से। ये दो ट्राइब होती हैं,
और ये दो ट्राइब होती हैं, ये बार बार अटैक करती हैं किस पे, ब्रिटेन्स पे, ये बार बार अटैक करती हैं। और इसी ट्राइब के अटैक से बचने के लिए जो रोमन्स का किंग होता है उसका नाम होता है ओनरियस। रोमन किंग का नाम क्या होता है? ओनरियस होता है। तो ओनरियस इन ट्राइब से प्रोटेक्शन के लिए, इनसे सुरक्षित होने के लिए एक दीवार की निर्माण करवाता है जिसको हम जानते हैं हैड्रियन वॉल्स के नाम से। ये जो हैड्रियन वॉल्स होती है इसको कौन बनवाता है? तो रोमन्स का जो किंग होता है जिसको हम ओनरियस के नाम से जानते हैं, ये इस दीवार को बनाता है ताकि जो पिक्ट्स हैं और स्कॉट्स हैं, दो प्रकार की ट्राइब हैं, इनसे बचा जा सके, इनसे रक्षा किया जा सके। इस वजह से इस दीवार का निर्माण कराया जाता है, इसका क्रिएशन कराया जाता है। लेकिन उसी समय, चूंकि आप सभी को पता है कि रोमन्स जो होते हैं ये ब्रिटेन्स को जीत चुके हैं और यहाँ पर ब्रिटेन में रहने लगे हैं, लेकिन जब ये ब्रिटेन में रह रहे होते हैं तो ब्रिटेन पे दो ट्राइब अटैक करती हैं जिसको हम एक पिक्ट्स के नाम से जानते हैं, दूसरा स्कॉट्स के नाम जानते हैं। ये जो दो ट्राइब होती है किस पे अटैक करते हैं? ब्रिटेन पे अटैक करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अनदर ट्राइब दैट इज अटैकिंग एंड अटैकिंग ओवर एंड ओवर अगेन ऑन रोमन्स, एक दूसरी ट्राइब होती है जिसे हम विसिगोट के नाम से जानते हैं। और ये जो ट्राइब होती है ये बार बार अटैक करती है रोम पर। जब ये बार बार रोम पे अटैक करती है तो चूंकि जो रोमन्स की जो आर्मी होती है वो सारी ब्रिटेन में रह रही होती है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर आकर इन्वेड किए थे, यहाँ पर रह रहे होते हैं। अब जब बार बार अटैक यहाँ पर भी हो रहा है विसिगोट से, एक पिक्ट्स और स्कॉट्स बार बार अटैक ब्रिटेन पे कर रहे होते हैं, और दूसरा जो ये ट्राइब विसिगोट होती है बार बार अटैक रोम पे कर रही है, तो चूंकि रोमन्स को अपने कंट्री को डिफेंड करना होता है, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना होता है, इस वजह से ब्रिटेन से रोमन्स अपनी आर्मी को विड्रॉ कर लेते हैं और ये रोम चले जाते हैं। रोमन जितने होते हैं रोम जाकर के ये क्या करते हैं कि एक उससे फिर ये अपनी कंट्री को बचाते हैं, डिफेंड करते हैं। 404 में ये उससे युद्ध लड़ते हैं विसिगोट से और ये अपनी कंट्री को बचाने में सफल हो जाते हैं। तो हम सभी को पता है कि यहाँ पे जो रोमन्स थे वो चले आए कहाँ? अपनी कंट्री रोम पे चले आए, और रोम पे ये विसिगोट से युद्ध करते हैं, अपनी कंट्री को बचाने में सक्षम होते हैं, ये सफल हो जाते हैं। लेकिन चूंकि जब ये रोमन्स ब्रिटेन से चले आते हैं तो जो सेल्स वहाँ पर रह रहे होते हैं, जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं, वो बहुत ही वीक होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं, दो डोंट हैव एनी फोर्स और आर्मी, और वो इतने सक्षम नहीं होते हैं कि दूसरे ट्राइब से वो फाइट कर सकें। इस वजह से दूसरी ट्राइब को इन्वाइट करते हैं। दूसरी ट्राइब को इसलिए वो इन्वाइट करते हैं ताकि उनकी कंट्री में आए, उनकी रक्षा कर सके, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। चूंकि रोमन्स पहले इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, लेकिन रोमन्स अब इनकी कंट्री से जा चुके हैं, इन्हें किसी न किसी की जरूरत थी ताकि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा आर्मी भी नहीं होती हो, बहुत ज़्यादा इनके पास मिलिट्री फोर्सेज भी नहीं होते हैं, और ना इनके अंदर इतनी क्षमता होती कि अपनी सुरक्षा या अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सके। इस वजह से तीन ट्राइब को इनवाइट करते हैं। कौन इनवाइट करते हैं? सेल्ट्स इनवाइट करते हैं। किसको इनवाइट करते हैं? तीन ट्राइब्स को। एक एंगल्स होता है, दूसरा सेक्शंस होता है, और तीसरा ज्यूट होता है। ये तीन ट्राइब को इनवाइट करते हैं। कौन इनवाइट करते हैं? सेल्ट्स। तो इसको हम देखेंगे आगे। जो हमारे पास सेल्स होते हैं ये इन्वाइट करते हैं किसको? तीन ट्राइब को इन्वाइट करते हैं। चूंकि हमने पहले आपको बताया कि जो पिक्ट्स होते हैं और स्कॉट्स होते हैं ये बार बार ब्रिटेन पे अटैक कर रहे होते हैं, और ये इनके पास इतनी क्षमता नहीं होती, इतनी कुव्वत नहीं होती है कि पिक्ट्स या स्कॉट्स कोई फेस कर सके, उसका सामना कर सके, और जब भी उसका सामना नहीं कर पाते तो तीन ट्राइब को इन्वाइट करते हैं ताकि ये पिक्ट्स और स्कॉट्स उनकी सुरक्षा कर सके, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। इस वजह से क्या होता है, ये तीन ट्राइब को इन्वाइट करते हैं। और इसमें जो तीन ट्राइब होती है उसमें एक तो एंगल्स होते हैं, दूसरा सेक्शंस होते हैं, और थर्ड ज्यूट्स होते हैं। ये तीन ट्राइब होती हैं। एंगल्स जो होते हैं जर्मनी के रहने वाले हैं, सेक्शंस एक सैक्सनी जगह के रहने वाले होते हैं, और जो ज्यूट्स है वो डेनमार्क के रहने वाले होते हैं। और ये जो तीनों जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं यहाँ पर आने के बाद में, ये वहाँ पे से ट्राइब आते हैं, और ये जो तीन ट्राइब होती है ये आकर के पिक्ट्स और स्कॉट्स को डिफीट कर देती है, इनको यहाँ से भगा देती है। चूंकि यहाँ से जब भगा दी होती है तो इसके बाद में आपने देखा होगा हमारी कंट्री में ऐसा होता है, बहुत सारे अरबों का और तुर्कों का आक्रमण हुआ है। जब किसी भी कंट्री के दूसरी कंट्री के लोग वहाँ पे अटैक करते हैं तो अटैक करने के बाद में क्या होता है कि वहाँ का जो निज़ाम होता है, वहाँ का जो भी गवर्नमेंट होता है, वहाँ पर जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है अपनी थोपने की कोशिश करते हैं। जिस लैंग्वेज का प्रयोग हम अपनी कंट्री में कर रहे होते हैं उसी लैंग्वेज का प्रयोग यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपने देखा जब अरबों का आक्रमण होता हमारी कंट्री यानी कि इंडिया पे, यहाँ पे आने के बाद में वो क्या करते थे, यहाँ पे रूल करते थे, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी उसको क्या करते थे, पर्शियन बना दिए थे, और सारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती जो अधिकार होता था वो पर्शियन लैंग्वेज में किया जाता था। चूंकि उन लोग को यहाँ की लैंग्वेज पता नहीं होती थी इस वजह से उसी लैंग्वेज को यूज करते थे। ऐसा यहाँ पर क्या होता है कि जब ये दो ट्राइब्स होती हैं, ये जो ज्यूट्स ट्राइब होती है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, इनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इस वजह से क्या होता है ये बहुत ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं एंगल्स या सेक्शंस की बात करते हैं तो ये जो होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं,
ये काफ़ी ज़्यादा समय तक यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, और इनके द्वारा जो भी लैंग्वेज प्रयोग की जाती है उसी को हम ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं। तो यदि आपसे कहा जाए कि ओल्ड इंग्लिश क्या होता है, तो आप बोले ओल्ड इंग्लिश उसी लैंग्वेज को कहा जाता है जिसको एंगल्स और सेक्शंस के द्वारा बोला जाता है। एंगल्स और सेक्शंस कौन होते हैं, तो 450 AD में ये लोग क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और किस पे अटैक करते हैं, ये सेल्स जो होते हैं, सेल्स को बचाने के लिए यहाँ पर ये आते हैं, और जब सेल्स को बचाने के लिए यहाँ पर आते हैं तो पिक्स और स्कॉट्स को डिफीट कर देते हैं और यहाँ पर रहने लगते हैं। और इन्हीं के द्वारा जिस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है उसी को हम बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश। तो आपको ये समझ आ गया होगा ओल्ड इंग्लिश। ये जो स्टोरी हमने आपको डिस्क्राइब किया है इसका आपको कहाँ पर मिलेगा, तो एक राइटर है, 18th century का एक राइटर है, ये 8th century का एक राइटर है जिसको हम जानते हैं बीड के नाम से। ये जो बीड होता है एक क्रिश्चियन होता है जो कि बहुत ही फेमस राइटर है, और इसने लैटिन में एक वर्क लिखा है, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल इसने लिखा है। तो ये जो राइटर होता है बहुत ही फेमस राइटर, इसकी एक बुक है, बुक को आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसने अपनी बुक में डिस्क्राइब किया है, जिस बुक का नाम है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, उसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो नदर जर्मनी के लोग होते हैं और सदर स्कैंडिनेविया के जो लोग होते हैं ये किस तरह से आते हैं, सी वे से, यानी कि समुद्र के रास्ते से यहाँ पर इंग्लैंड को आते हैं। इस चीज़ को इसने डिस्क्राइब किया है बीड ने, और ये एंगल्स और सेक्शंस और जूट्स के बारे में इन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है। इस जगह का नाम इंग्लैंड कैसे पड़ता है, तो जैसा कि आप हमने सभी को बताया है कि जो ब्रिटेन होता है, ब्रिटोन्स वहाँ के मूल निवासी होते हैं, उन्हीं की वजह से, ब्रिटोन्स के रहने की वजह से उसका नाम ब्रिटेन पड़ता है। उसी तरीके से एंगल्स के रहने की वजह से इस जगह का नाम इंग्लैंड पड़ता है। एंगल्स यानी कि एंगल हो गया, इसमें लैंड लगा देंगे यानी कि एंगल्स के लैंड, तो इसी को हम बोलते हैं इंग्लैंड। तो इंग्लैंड इसका नाम कैसे पड़ता है, एंगल्स की वजह से इसका नाम इंग्लैंड पड़ता है। आई होप कि यहां तक के पॉइंट आप सभी को समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ये जो एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, जैसा कि अभी आपको बता रहे थे, 8th century का एक बहुत ही फेमस राइटर हुआ है जिसको हम बीड के नाम से जानते हैं, और बीड ने अपनी बुक लिखी है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, जिसको लैटिन में लिखा गया है, और उसी बुक में इन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब किया है। अब ये जो रोमन्स होते हैं, रोमन्स बल्कि जो यहाँ पे जो होते हैं, रोमन्स तो पहले ही चले गए थे, लेकिन जो सेल्स होते हैं यहाँ पर कौन से होते हैं, सेल्स या ब्रिटोन्स होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं धीरे धीरे क्या करते हैं, चूंकि जब एंगल्स और सेक्शंस यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से इनको धीरे धीरे यहाँ से निकलना पड़ जाता है अपने ही देश से। और निकल कर कहाँ जाते हैं, तो ये लोग स्कॉटलैंड चले जाते हैं, और या फिर वेल आइलैंड की तरफ चले जाते हैं, या फिर हिली एरियाज की तरफ चले जाते हैं, और यहाँ से इनका रहना ख़त्म हो जाता है। यहाँ से इनकी जो है सारी जो है रहना सहना भी यहाँ से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये रहने नहीं देते हैं जो यहाँ पर दो ट्राइब एंगल्स और सेक्शन आ जाते हैं। अब उसके बाद में एक बहुत ही बड़ा अटैक होता है जिसको हम वाइकिंग्स इन्वेजन के नाम से जाते हैं, फिर दूसरा अटैक होता है। जो वाइकिंग्स इन्वेजन होता है ये 737 AD में होता है, और जब ये वाइकिंग्स अटैक होता है तो इस समय यहाँ पे जो रूल कर रहा होता है वो किंग अल्फ्रेड होता है, किंग अल्फ्रेड होता है। आपको बताते हैं कि जिस समय किंग अल्फ्रेड यहाँ पर इंग्लैंड पे शासन कर रहा होता है, उस समय जो इंग्लैंड की लैंड होती है उसको 7 parts में डिवाइड किया गया जाता है, यानी कि उसमें जो इंग्लैंड का लैंड होती है वहाँ पे 7 parts होते हैं। 7 parts को इस तरह से होते हैं, उसमें से एक वेसेक्स होता है, दूसरा इसमें इसेक्स होता है, ससेक्स होता है, ऐसे करके 7 parts होते हैं, लेकिन इसका जो मोस्ट पावरफुल पार्ट होता है वो वेसेक्स होता है, और जो किंग अल्फ्रेड होता है यही वेसेक्स का किंग होता है। तो ये जो होता है ये वाइकिंग्स के अटैक का सामना करता है, और इसके अटैक का सामना करने में कामयाब हो जाता है, वाइकिंग्स को डिफीट करके भगा देता है। तो जब किंग अल्फ्रेड वाइकिंग्स के डिफीट कर देता है और ये वहीं पर शासन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये पॉइंट अब याद रखेंगे कि जब वाइकिंग्स का अटैक हुआ था तो उसमें किसने डिफीट किया था वाइकिंग्स को, तो वाइकिंग्स को डिफीट किया था किंग अल्फ्रेड ने। अब इसके बाद में अगला जो अटैक होता है, अगला अटैक होता है नॉर्मन्स का, नॉर्मन्स का इन्वेजन होता है, और नॉर्मन्स जो इन्वेजन होता है 1066 AD में होता है। जैसा कि पहले आप बताए कि एंग्लो सैक्सन जो होते हैं और 450 से जो इनका रूल स्टार्ट होता है, 450 से 1066 के एंग्लो सैक्सन का होता है, और इससे पहले का जो होता है ब्रिटोन्स या सेल्ट्स वहाँ पर रह रहे होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, 1066 AD से में जो इन्वेड करते हैं वो नॉर्मन्स का अटैक होता है। अब नॉर्मन का जब अटैक होता है, चूंकि जो नॉर्मन होते हैं ये फ्रांस के रहने वाले होते हैं, और इनका जो किंग होता है वो ड्यूक विलियम होता है,
ड्यूक विलियम किसका किंग होता है? नॉर्मन का। नॉर्मन फ्रांस के रहने वाले होते हैं, ड्यूक विलियम इनका किंग होता है। और यहाँ जो इंग्लैंड की जगह होती है, यहाँ पर एंग्लो सैक्सन अभी पर रूल कर रहे होते हैं 1066 में, तभी इन पर अटैक होता है। इस समय यहाँ का जो किंग होता है हैरोल्ड होता है। तो अब दोनों के बीच में फाइट हो गई। एक तो इधर ड्यूक विलियम होता है जो कि नॉर्मन का किंग है, फ्रांस का रहने वाला है, उधर एंग्लो सैक्सन का जो किंग होता है हैरोल्ड होता है जो कि इंग्लैंड का रहने वाला होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, जंग होती है, वार होता है। और इस जंग में जो होता है, ये नॉर्मन का जो किंग होता है ड्यूक विलियम, ये इंग्लैंड एंग्लो सैक्सन के किंग को हरा देता है और ये इंग्लैंड को कॉनकर कर लेता है, जीत लेता है। जब ये जो ड्यूक विलियम होता है इंग्लैंड को जब कॉनकर कर लेता है, तो इसी के बाद में इसका नाम पड़ता है ड्यूक विलियम कॉनकरर। ड्यूक विलियम कॉनकरर इसका नाम पड़ता है, ड्यूक विलियम कॉनकरर इसका नाम रखा जाता है। तो ये तो कुछ पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जिसको हमने अभी तक के डिस्कस किया है, ताकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो किस तरह से यहाँ पर चल रहे थे। अब हम बात करेंगे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का। इसको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर क्यों कहा गया, उसका रीजन क्या होता है। तो इससे पहले हमने आप सभी के सामने डिस्कस किया कि ओल्ड इंग्लिश क्या होती है। ऐसी लैंग्वेज जो एंगल्स और सेक्शंस के द्वारा यूज की जाती है उसे हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। जी हाँ, वो लैंग्वेज जो एंगल्स और सेक्शंस के द्वारा बोली जाती है उसको हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। और उस दौरान जो भी चीज़ें लिटरेचर के वर्क में काम किया गया, लिटरेचर के वर्क में लिखा गया है, उसी को हम बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। तो आपको समझ आ गया होगा ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर क्या है। अब ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो इसमें ओरल राइटिंग ज़्यादा फेमस थी, क्योंकि हमें पता है कि जो राइटिंग होता है, विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था 1476 में, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। विलियम कैक्सटन के प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस करने से पहले सारी चीज़ें ओरली होती थी, ऐसे लोग लिखा करते थे, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तो उसमें क्या था, लोग ओरली लिखते थे, यानी कि चलते चलाते लोगों को सुनाया करते थे उन्होंने क्या लिखा है। और इस समय अलिटरेटिव वर्ड्स बहुत ज़्यादा फेमस था, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाती है। बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें से एक होता है अलिटरेशन। अलिटरेशन क्या होता है कि कॉन्सोनेंट का एक लेटर होता है या साउंड होता है जो वर्ड की स्टार्टिंग में आता है, उसी का बार बार रिपीटेशन होता है और उसी को हम बोलते हैं अलिटरेशन। जैसे हमने कहा पीटर पाइपर पिक्ड अप पिकल्ड अप पेपर, अब पीटर पाइपर पिक्ड अप पेक अप पिकल्ड पेपर, तो बार में पी पी की साउंड का रिपीटेशन हो रहा है और इसी को हम बोलते हैं अलिटरेशन। तो ये आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो उसमें अलिटरेटिव वर्ड्स का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसमें यहां पर लिखा भी है इसका डेफिनेशन क्या होता है। इस समय जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, यानी कि जब ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे थे, इसमें नियर अबाउट 400 मैन्यूस्क्रिप्ट थी जो प्रचलन में थी, लेकिन इसमें से चार मैन्यूस्क्रिप्ट हैं जो बहुत ज्यादा फेमस थी, उन्हीं चार के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इसमें से जो फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट जो बहुत ज्यादा फेमस थी वो है एक्सेटर बुक, दूसरी थी जूलियन मैन्यूस्क्रिप्ट। जो जूलियन मैन्यूस्क्रिप्ट होती है उसको हम कैडमन मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है वर्सिली बुक, जो वर्सिली बुक होती है। नेक्स्ट है नोवेल कोडेक्स, जो नोवेल कोडेक्स होता है इसी को हम बीउल्फ मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक के पॉइंट आप सभी को समझ आया होगा। अब हम देखेंगे इस समय के कुछ फेमस पोएम्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं उनके बारे में कोई डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में कुछ एमसीक्यूज के माध्यम से जो हमने पढ़ा है उसको भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझ आए कि क्या चीज़ें हमने अभी तक पढ़ा है और कितना हमने उस चीज़ को ग्रैप्स किया है, कितना हमने एब्जॉर्व किया है। तो आगे के पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। थीम ऑफ द पोएट्री, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे एंग्लो सैक्सन के पीरियड में जो भी पोएट्री लिखी जाती थी उसकी थीम क्या हुआ करती थी। तो हम याद रखेंगे जब भी एंग्लो सैक्सन की बात करेंगे, इनके समय में जो भी पोएट्री लिखी जाती उसकी थीम हुआ करती थी, ये हीरोइक पोएम्स लिखते थे, यानी कि उसमें वॉरियर्स को डिस्क्राइब करते थे, योद्धाओं की बातें करते थे, किस तरह से वो योद्धा हुआ करते थे, आगे पोएम्स में उनको डिस्कस भी करेंगे। सेकंड, ये रिलीजियस पोएम उसमें लिखा करते थे, धर्म से रिलेटेड पर्सनल पोएम्स लिखते थे, अपनी व्यक्तिगत लाइफ को उसमें डिस्क्राइब करते थे। लव पोएम्स को भी उस समय लिखा जाता था। क्रॉनिकल्स यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड भी पोएम्स को लिखा जाता था। सर्मन्स यानी कि उपदेश भी देते थे पोएम्स के थ्रू। और रिडल्स यानी कि पहेलियां या पजल टाइप के भी पोएम्स लिखे जाते थे एंग्लो सैक्सन के पीरियड में। तो ये थीम थी, ये थीम किस समय थी, एंग्लो सैक्सन के समय में। अब इस समय के कुछ मेजर पोएट्री है, कुछ मेजर पोएम्स हैं जो हम देखेंगे कौन कौन से इस समय थी। एक तो बियोवुल्फ है जो कि बहुत ही फेमस वर्क है इस समय का बियोवुल्फ। एक विडसिथ है, डियोर है, द वांडरर, द सीफारर, द बैटल ऑफ माल्टन, ड्रीम ऑफ द रूट, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है इस समय की। तो इन पोएम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इन पोएम्स में क्या डिस्क्राइब किया गया है। इससे हमें पता चलेगा इनकी राइटिंग की स्किल की, इनकी थॉट्स को पता चलेगा किस तरह से ये सोचते थे और लिखते थे।
सबसे पहले बियोवुल्फ की बात करेंगे। बियोवुल्फ इस समय की बहुत ही फेमस पोएम है। जो बियोवुल्फ है ये लॉन्ग, ये जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो बियोवुल्फ इज द वन एंड ओनली वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग पोएम ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट पोएम है जो कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की है। इसकी सेटिंग, सेटिंग यानी कि इसको दिखाया किस एरिया का इसमें सेटिंग रखा गया है, तो नॉर्दर्न यूरोप इसकी सेटिंग रखी गई है। नॉर्दर्न यूरोप की बात करेंगे यानी कि डेनमार्क और स्वीडन इसमें दिखाया गया है, उसकी सेटिंग रखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है इंग्लैंड की नेशनल एपिक है। बियोवुल्फ क्या है, उस समय की नेशनल एपिक मानी जाती थी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की। इस वजह से बियोवुल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम हो जाती है। नेक्स्ट है, इसमें किसको डिस्क्राइब किया गया है, तो स्कैंडी नेवियन वॉरियर्स को। जैसा कि हमने पता है कि ये जो वॉरियर्स से रिलेटेड पोएम्स लिखते थे, तो इसमें वॉरियर्स को, योद्धाओं को डिस्क्राइब किया गया है बियोवुल्फ में। अब इसके राइटर का नहीं पता है, ये एक एनोनिमस है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें एलिटरेटिव वर्ड्स बहुत ज़्यादा चलते थे, इसमें एलिटरेशन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, तो इसको एलिटरेटिव वर्ड्स में लिखा गया है। इसमें टोटल 3182 लाइंस का प्रयोग किया गया है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इस पोएम में कितनी लाइंस का प्रयोग किया गया है, तो 3182 लाइंस का प्रयोग किया गया है। और ये नोवेल कोडेक्स में पाया जाता है। इसको किस में पाया जाता है, नोवेल कोडेक्स में, जो कि एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, उसमें इसे पाया जाता है। इसकी स्टोरी की हम बात करेंगे कि इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है। इसकी स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले समझेंगे। इसमें जो होता है एक किंग होता है, जिसका किंग का नाम होता है हरोथगर। ये जो हरोथगर होता है, ये किंग होता है, तो ये जो हरोथगर होता है ये किंग होता है। और ये किंग कहां का होता है, डेनमार्क का किंग होता है। जैसा कि हमें पता है कि इसकी सेटिंग डेनमार्क में है, तो ये डेनमार्क का किंग होता है। और ये ग्रेंडल होता है, ये एक मॉन्स्टर होता है, राक्षस होता है। ये जो हरोथगर होता है, वहाँ पे एक को बैटल होता है, जिस बैटल में इसको विक्ट्री होती है, इसको विजय प्राप्त होता है। और ये विक्ट्री के उसे जश्न मनाने के लिए उसे एक हीरोड का निर्माण करवाता है। जो हीरोड होता है वो क्या होता है, बेसिकली ये मील या फीस्टिंग हॉल होता है। फीस्टिंग हॉल किसे कहते हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं, इंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, आराम करते हैं और अपना जो है गाने गाते हैं, एक दूसरे बातचीत करते हैं, तो उस टाइप का एक हॉल बनवाता है। कौन बनवाता है, यह हरोथगर बनवाता है। क्यों बनवाता है, क्योंकि इसको विक्ट्री हुई थी एक बैटल में और उसी के उपलब्ध में बनवाता है, ताकि लोग वहां पर जाकर के एंजॉय कर सकें। लेकिन उसी समय एक ग्रेंडल नाम का मॉन्स्टर रहता था, राक्षस था। ये क्या करता था, रात के समय जब लोग वहां पे आराम करते थे, तो वहां पे चुपके से अटैक करता था, लोगों को किल कर देता था, उसे खा जाता था। और ये जो प्रक्रिया थी किल करने की, ये लगभग 12 साल तक यूं ही चलती रही। 12 साल तक चलने के बाद में, चूंकि 12 साल पहले जो बियोवुल्फ, जो कि इसमें वॉरियर्स को दिखाया गया है, वो बहुत ही छोटा था। और जैसे 12 साल, मैं झारखंड से हूँ, हेल्प मी आउट, क्या दिक्कत आ रही है अमित कुमार जी आपके साथ? सर स्ट्रेटजी बता दीजिए, कब कब क्या पढ़ाया जाएगा और पीडीएफ वगैरह कैसे मिलेगा? बहुत स्पीड है सर। अच्छा, पीडीएफ ऐप पर मिलेगा सर, इतना स्पीड? अच्छा, स्पीड ज़्यादा हो रही है। वैसे भी क्लास, अमित कुमार जी, क्लास है, रिकॉर्डेड है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है, तो जो काम के पॉइंट है यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। स्टोरी भी बता रहा हूँ, मुझे लगे ऐसा नहीं कि आप समझे कि बहुत लंबी स्टोरी चल रही है, तो इस वजह से थोड़ी स्पीड तेज चल रही थी। मुझे लगा ऐसा ना लगे कि हाँ स्टोरी जो है बहुत बड़ी हो गई, तो पॉइंट जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारा यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपको स्पीड को ज़्यादा लगती तो स्पीड भी थोड़ा स्लो दिया जाएगा, ठीक है, स्लो किया जाएगा स्पीड को। बाकी आप सभी को बता दें, इसके पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी, वो सारा चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से आपको तैयारी करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना होगा, क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि सारी चीज़ें आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती। जैसे किसी भी राइटर की बात कर दें, तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। उस राइटर के कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे राइटर्स हैं, जैसे हम वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे, जॉन कीट्स की बात करेंगे, तो इनकी जो पोएम्स होती हैं वो पोएम्स की लाइन पूछी जाती है। इस वजह से उस पोएम्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि उसकी लाइंस को पढ़ करके उससे भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएं। और लाइन को पढ़ते समय आप ये भी बताएंगे इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, ताकि आप उसे फाइंड आउट करके फिगर ऑफ स्पीच को भी डिस्कस करके यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए।
तो जो भी स्ट्रेटजी होगी सारा एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी उसकी पीडीएफ आप सभी को दिया जाएगा, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उससे भी आप प्रिपरेशन करेंगे, बाकी वीडियो आपके साथ में रहेगी। तो स्पीड का आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं होगा, क्योंकि जब आपके पास पीडीएफ होगा वीडियो को अनलिमिटेड टाइम तक आप वॉच कर सकते हैं। एक बार में अगर आपको ज़्यादा लगता है स्पीड, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, बाकी मैं भी कोशिश करूँगा स्पीड थोड़ा कम करके चलूँगा, ठीक है। और जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी उस चीज़ को आप यहाँ तो चाहो तो नोट भी कर सकते हो, दूसरी चीज़ की पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। जितना भी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे वो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो नोट करने के लिए से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, ठीक है अमित जी। हाँ, इसमें हम बात कर रहे थे स्टोरी को, मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ थोड़ा स्लो स्पीड से। ये जो स्टोरी होती है बियोल्फ की स्टोरी की हम बात कर रहे होते हैं, तो बियोल्फ की जो स्टोरी होती है इसमें एक किंग होता है, उस किंग का नाम होता है हरोथगर। हरोथगर ये किंग होता है, ये किंग कहाँ का होता है, ये डेनमार्क का किंग होता है। और इसी के पैरेलल में इसमें जो डिस्क्राइब किया गया है इसका जो विलन होता है वो ग्रैंडर होता है, ग्रैंडर एक मॉन्स्टर होता है। अब ये जो किंग होता है हरोथगर, ये इसको विक्ट्री होती है, उस समय ये वॉर होता है, युद्ध होता है, उसमें इसको विक्ट्री हो जाती है। जब इसको विक्ट्री होती है तो आप सभी को पता है कि लोग जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, ये भी क्या करता है खुशियां मनाता है, लेकिन उसी के साथ साथ एक अच्छा काम और करता है, और वो क्या करता है हीरोड बनवाता है। हीरोड के मतलब ये होता है कि एक फीस्टिंग या मील हॉल होता है जहाँ पे लोग भोजन करते हैं, खाने खाते हैं, आराम करते हैं, गाने गाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, इसीलिए वहाँ पे बनवाया जाता है लोग आकर के मौज मस्ती कर सकें। लेकिन चूंकि उसी समय क्या होता है ग्रैंडल होता है, ग्रैंडल को जब फीस्ट हॉल के बारे में पता चलता है तो ये भी इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। और ये क्या करता है कि जब ये लोग रात के समय सो रहे होते हैं फीस्ट हॉल में, जब ये लोग रात के समय सो रहे होते हैं तो वो अटैक करता है, और अटैक करके लोगों को किल कर देता है, खा जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है यानी कि इसको किल करने की, जो ग्रैंडल होता है उसको जो लोगों को किल करता है, ये जो प्रक्रिया होती है ये धीरे धीरे चलती रहती है। ये 12 साल तक इसी तरीके से प्रक्रिया चलती है। 12 साल बीत जाते हैं, उस समय जो बियोल्फ होता है बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जब 12 साल बीत जाने के बाद ये भी यंग होता है, जवान होता है, और इस चीज़ को देख करके इसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि जो बियोल्फ होता है एक वॉरियर होता है, योद्धा होता है, इसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके जो ग्रीफ होती है 30 पीपल की इक्वल होती है, 30 लोगों की जितनी पकड़ होती उतना जो है बियोल्फ की अकेले पकड़ होती है, इसका ताकत भी 30 लोगों के बराबर होता है। इस वजह से क्या होता है कि ग्रैंडल को किल करना इसके लिए आसान हो जाता है, तो एक प्लानिंग करता है। अब ये प्लानिंग क्या करता है, ये बाकी अपने सारे फ्रेंड से कहता है और लोगों से कहता है कि आज हम लोग चलेंगे फीस्ट हॉल में, वहीं पर रात गुजारेंगे और ग्रैंडल को किल करेंगे। ये लोग जाते हैं प्लानिंग करने के साथ, वहां पर बैठ जाते हैं और सोने का बहाना करते हैं। जैसे ही जो ग्रैंडल होता है अटैक करता है और एक एक को किल करना मारना शुरू कर देता है, स्टेप बाय स्टेप वो आता है। इसके बाद में जब ये ब्यूल्फ के पास में पहुंचता है तो ब्यूल्फ की, जैसा कि हम सभी को पता है, इसकी ग्रिप बहुत ही मजबूत होती है, ये उसके बाजू को मजबूती से पकड़ लेता है। ग्रैंडल बहुत ज़्यादा उससे छुड़ाने की कोशिश करता है, इसी चीज़ में क्या होता है उसका बाजू उखड़ जाता है, और बाजू उखड़ जाता है, वहाँ से ग्रैंडल तो भाग जाता है। और जब ग्रैंडल वहाँ से भाग जाता है अपने केव में, अपनी गुफा में पहुँचता है, तो अपनी मदर से उसकी मुलाकात होती है। उसको देख करके उसकी मदर बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो अपने बेटे का बदला लेना चाहती है। अपने बेटे की बदला लेने के लिए क्या करती है, वो दोबारा से उसी फीस्ट हॉल पे अटैक करना चाहती है, और इस वजह से दोबारा से उसकी जो मदर होती है उस फीस्ट हॉल पे अटैक करती है। जब उसकी मदर दोबारा से अटैक करती है तो वो एक सोल्जर्स पे अटैक कर देती है और उसको लेकर के अपनी गुफा की तरफ भागती है। जब उसकी मदर अपनी गुफा की तरफ भाग रही होती है तो बियोल्फ उसको देख लेता, उसका पीछा करता है, पीछा करते हुए उसकी जो मदर होती है एक लेक से होकर के अपनी गुफा में जाती है और बियोल्फ उसका पीछा कर रहा होता है। बियोल्फ जब पीछा करते हुए वहाँ पर जाता है तो उसकी फाइट हो जाती है उसकी मदर से, और उसकी मदर को मारने में बियोल्फ कामयाब हो जाता, सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद में क्या करता है, बियोल्फ उसकी मदर को जान से मार देता है, और उसके बाद में क्या देखता है कि जो ग्रैंडल था, जो जिसका बाजू उसने पहले उखाड़ दिया था, वहाँ पर मरा पड़ा हुआ है। तो ये क्या करता है कि जो ग्रैंडल का सर होता है उसको काट करके वहाँ से लाता है, विक्ट्री के निशाने के तौर पे उसके सर को लेकर के आता है, फीस्ट हॉल में लगा देता है ताकि लोगों को पता चले कि जो ग्रैंडल था उसकी मृत्यु हो चुकी है और लोग आराम और चैन से उस फीस्ट हॉल में रह सकें और इंजॉय कर सकें। तो इस तरह से उसको किल कर देता है। लेकिन उसके बाद में, इसके बाद में एक दूसरी घटना घटित होती है, और उसमें क्या होता है कि ये जो ब्यूल्फ होता है इसकी फाइट होती है। इसकी फाइट किससे होती है, इसकी फाइट एक ड्रैगन से होती है, और चूंकि ड्रैगन बहुत ज़्यादा
ताकतवर होता है लेकिन उसको किल करने में बेवुल्फ तो कामयाब हो जाता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मोर्टल वूंड आता है, बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और उस जख्म से सर्वाइव नहीं कर पाता है और कुछ समय के बाद में बेवुल्फ की मृत्यु हो जाती है। ये हमारी स्टोरी होती है बेवुल्फ की। तो जो ग्रेंडल की मदर होती है, ग्रेंडल की मदर किल कर देती है एक सोल्जर को और उसे अपनी केब में लेकर के जाती है। बेवुल्फ उसका पीछा करता है और जाकर के उसकी मदर को उसी केब में किल कर देता है। बेवुल्फ फाइट करता है किससे, बाद में एक ड्रैगन से फाइट करता है और उसके बाद में उसको मोर्टल वाउंड लगता है, बहुत ज़्यादा जख्म लग जाता है, उस जख्म से वो सर्वाइव नहीं कर पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। आई होप कि ये बेवुल्फ की स्टोरी आप सभी को समझ आई होगी। अब हम आगे हम बात करेंगे दूसरे पोएम की। अमित जी का कहना है टीचिंग स्टाइल इज सुपर एंड थैंक्स फॉर स्लो एंड टीचिंग एवरीथिंग इज रिलेटिवली वेल। थैंक यू अमित जी। ठीक है, आपका कमेंट मैंने देर में देखा इसलिए स्पीड हमारी बाद में स्लो हुई। ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा थोड़ी स्पीड स्लो करने की। अब भी अगर आपको स्पीड तेज लगेगी तो आप बताएंगे। वीरसिद्ध, वीरसिद्ध भी उस समय की एक पोएम है। वीरसिद्ध क्या है, उस समय की एक पोएम है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पोएम में क्या बताया गया है। तो ये जो वीरसिद्ध पोएम होती है ये भी उस समय की एक पोएम होती है और ये पोएम किसके बारे में होती है, एक ट्रेवलर सॉन्ग है, यानी कि एक यात्री होती है उसके सॉन्ग को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ये जो पोएम होती है इसमें टोटल कितनी लाइन्स होती हैं, तो इसमें टोटल 143 लाइन्स होती हैं। इट हैज़ टोटल 143 लाइन्स और इसको लिखा गया है अल्टरनेटिव वर्स में। आप सभी को पता होना चाहिए कि इस समय की जो पोएम्स होती थी वो अक्सर पोएम्स अल्टरनेटिव वर्स में लिखी जाती थी। उसी तरीके से ये जो पोएम है उसको भी अल्टरनेटिव वर्स में लिखा गया है। जब भी हम अल्टरनेटिव वर्स की बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है वो अल्टरेशन है, राइट। अब इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से होती है कि इसमें एक ट्रेवलर होता है या वांडरर होता है जो अपनी वांडरिंग्स के बारे में अपने बता रहा होता है। ठीक है, वो बता रहा होता है, एक फ्यूडल हॉल के बारे में बताता है, अपनी वांडरिंग्स के बारे में बताता है। वो ये बताता है कि लोग उसके सॉन्ग से कितना प्यार करते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं तो उसके सॉन्ग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, उसके सॉन्ग के बदले में उसको बहुत ज़्यादा गिफ्ट और उपहार दिया जाता है। कहीं भी जाता है तो उसको लोग उसके सॉन्ग की वजह से वो जाना और पहचाना जाता है, बहुत उसकी उस सॉन्ग की वजह से या उसके जो पोएम्स की वजह से उसकी बहुत एक अच्छी छवि बनी हुई है। जिस भी ओकेजन पे जाता है, जिस भी इवेंट में जाता है, उसको लोग वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। तो इसी चीज़ को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, इसके बारे में है जिसमें अपनी वंडर्स के बारे में बताया है। ये जो है अपनी फ्यूडल हॉल के बारे में डिस्क्राइब किया है और ये इसमें जो है सॉन्ग्स गाते हैं। फर्दर आगे क्या डिस्क्राइब करते हैं, लोग जो होते हैं उसके सॉन्ग्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उसे गिफ्ट भी देते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है कि ये जो है कहीं भी जाता है तो लोग इनका वेलकम करते हैं और इसके ये जो गाने गाते हैं उनके जो सॉन्ग्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, तो इसके सॉन्ग्स होते हैं वार से रिलेटेड होते हैं और ये आर्ट का प्रेज करते हैं, अपनी ही आर्ट की प्रशंसा करते हैं, तो उससे रिलेटेड इसके सॉन्ग्स होते हैं। आई होप कि ये भी पॉइंट आपको वीरसिद्ध के बारे में समझ आ गया होगा। तो हम अगली पोएम को डिस्कस करेंगे इसके बाद में। अगली पोएम हमारे है डिवोर है। डिवोर जो होता है, डिवोर इसको एक्सटेसर, जो हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट होते हैं, फोर मेजर मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, उसी में एक एक्सेटर बुक होती है, उसी में इसको पाया जाता है। और ये जो है लैमेंट है, लैमेंट के माने तो विलाप करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है लैमेंट। तो लैमेंट होता है या मोर्न होता है, याद रखेंगे मोर्न माने भी होता है। ये जो मोर्न है तो एक मॉर्निंग होता है, एक होता है मोर्न से बंधा है। जर्मेनिक हेरोइज एस के हैं ये। अमित जी क्वेश्चन आपका समझ नहीं पाया मैं। जर्मेनिक ट्राइब जो होती हैं, एंग्लो सैक्सन जो होते हैं, उन्हीं को जर्मेनिक ट्राइब कहते हैं। अगर ये आपका क्वेश्चन है तो इसका आंसर यही होगा, बाकी अगर और कुछ पूछना चाहते हैं तो दोबारा से लिखेंगे। जर्मेनिक ट्राइब होती है, जो एंग्लो सैक्सन होती है जर्मेनिक ट्राइब है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो एंग्लो सैक्सन होते हैं किस टाइप की ट्राइब होती है, तो बताएंगे जर्मेनिक ट्राइब होती है क्योंकि जर्मन से ये आए हुए होते हैं और ये जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश। अगर यही आपका क्वेश्चन है तो आई होप कि क्लियर है। अगर इसके अलावा भी क्वेश्चन है तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। हाँ, तो हम बात कर रहे थे डिवोर की, ये एक्सेटर बुक होती है। लैमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जाम में एंटोनिम सिनोनिम में भी पूछ लिया जाता है। लैमेंट के माने मोर्न होता है, यानी कि विलाप करना, किसी की मृत्यु पर शोक प्रकट करना या ऐसे भी शोक प्रकट करना। अब इसमें टोटल 42 लाइंस हैं,
इट हैज़ बीन रिटन इन अलिटरेटिव, जैसा कि आपको पता है कि इसको भी अलिटरेटिव लाइन्स में ही लिखा गया है। और इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से होती है, इसमें एक मिनिस्टर होता है, जो मिनिस्टर होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे कोर्ट होते हैं उसमें मिनिस्टर जो भी होते हैं उनको हटा दिया जाता है और उनके स्थान पर दूसरे मिनिस्टर को ला दिया जाता है। तो इसमें भी क्या क्या है, जो भी मिनिस्टर है उसको हटा दिया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। अब उसी को लेकर के बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, बहुत ज़्यादा चिंतित होता है। वो कहना चाहता है कि जब वो अपनी पोजीशन पे था, अपने स्थान पे था, कितना ज़्यादा खुश था, उसको जो वहाँ से हटा दिया है कि कितना दुखी हो गया है। तो इसी चीज़ को इसमें उसने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। इसमें क्या बताया गया, मिनिस्टर के स्वरों को बताया गया है कि उसे रिप्लेस कर दिया गया है और उसके स्थान पर उसके राइवल को, उसके एक दुश्मन को, वहाँ पर राइवल माने दुश्मन होता है या अपोनेंट होता है, तो उसके प्रतिद्वंदी को वहाँ पर लाया गया है। और कहता है कि उससे पहले जो आपकी पोजीशन थी, अपनी पोजीशन पे वो बहुत ज़्यादा खुश था वो, ठीक है, लेकिन जब उसको उससे रिप्लेस कर दिया गया है तो वो बहुत ज़्यादा उसके राइवल के द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया गया है और उसके स्थान पे उसका दुश्मन आ गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो दुखी हो गया है, क्योंकि वो खुशियों को दोबारा चाहता है कि उस खुशियाँ उसके पास दोबारा से वापस आ जाएँ, लेकिन अब वो नहीं आ सकते क्योंकि उसको रिप्लेस कर दिया गया है और उसके स्थान पर उसके दुश्मन को ला दिया गया है। देखो, आप सभी के साथ ऐसा होता है, यदि आप किसी भी जगह पर हैं, किसी भी पोस्ट पे हैं, किसी भी स्थान पे हैं, अगर वो स्थान आपसे छिन जाता है तो उतना दुख नहीं होता है, लेकिन यदि आपसे छिन गया है और आपको जो राइवल है, जो आपका अपोनेंट है, अगर उसको मिल जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो यही कंडीशन होती है इसके साथ, डिओर के साथ, पोएट के साथ भी। इसको उतना गम नहीं है जितना इसकी पोस्ट छिन गई है, जितना उससे गम है कि इसके दुश्मन को पोस्ट मिल गई, उससे ज़्यादा ये दुखी है। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा डिओर के बारे में। नेक्स्ट जो पोएम है, द सी फारर। द सी फारर के माने होते हैं मल्लाह। मल्लाह क्या होता है आप सभी को पता हो, अगर नहीं जानते हैं तो जो नाव चलाता है, नाविक होता है, जो नाव चलाता है उसी को बोलते हैं मल्लाह बोलते हैं, जो नाव चलाने का सेलिंग का काम करता है उसको मल्लाह बोलते हैं। तो यह है सी फारर, राइट। अभी जो सी फारर पोएम है ये भी एक्सेटर बुक में, मैन्यूस्क्रिप्ट में है। इसमें टोटल जो लाइन्स है 124 लाइन्स हैं और इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है। ये स्टोरी यहाँ पर है, ये जो व्यक्ति होता है ये क्या होता है कि अकेले एक समुद्र की यात्रा कर रहा होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो जो भी मल्लाह होते हैं नदी या समुद्र में अपनी नाव चलाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ या ट्रैफिक नहीं होती। वहाँ पर अगर आपके साथ में कोई नाव में बैठा हुआ है तो आप बहुत सारे लोगों के साथ में हैं, और अगर आप अकेले नाव चला रहे हैं तो आप अकेले होंगे। वहाँ पर बहुत सारी दुख और तकलीफ का सामना करना होगा, बहुत सारी वेव्स जो होती हैं टाइड का सामना करना होगा, और रात से होकर गुजरेंगे, दिन से होकर गुजरेंगे। उसमें हो सकता है कि ठंडक के मौसम में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े, लेकिन चूंकि आप अकेले होते हैं तो आप किसी से अपने दुख को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ये जो मल्लाह होता है ये भी ट्रेवल कर रहा होता है और ये वहाँ पर अकेले है, समुद्र की यात्रा कर रहा है। अब ये उसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है, ये बताना चाहता है कि वो ओल्ड हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, और वो उस चीज़ को याद करता है, अपनी लाइफ का मूल्यांकन करता है, जिस चीज़ को जी चुका है, जो अपनी लाइफ को जी चुका है। वो कहता है जो सी फारर, वो डिस्क्राइब करता है कि जो लाइफ है, ये जो समुद्र की लाइफ है कितना ज़्यादा टफ है। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है कितना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसे, कितना हार्डशिप का सामना करना पड़ता है जो समुद्र में होता है। उसी की अपेक्षा में वो लाइफ को कंपेयर करता है। वो कहता है कि जो व्यक्ति होता है लैंड पर रहता है तो ये व्यास माने होता है समुद्री यात्रा। एक तो समुद्री यात्रा होता है, एक लैंड होता है। तो जो व्यक्ति लैंड पर रह रहा होता है उसको हर प्रकार की सहूलियत होती है, उसको जब चाहे खाना खा सकता है, प्रचुर मात्रा में उसको पानी मिल जाएगा, सफिशियंट मात्रा में उसको खाना मिल जाएगा, लोगों से बातचीत कर सकता है, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से बातचीत कर सकता है, कहीं भी घूम फिर सकता है, उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब भी हम उसको कंपेयर करते हैं समुद्र की ज़िंदगी से, यानी कि एक व्यक्ति होता है जो समुद्री यात्रा कर रहा होता है, अगर उससे कंपेयर करें तो जो समुद्री यात्रा कर रहा है उसकी लाइफ बहुत ही टफ होती है। वहाँ पर न तो पर्याप्त मात्रा में उसको खाना मिल सकता है, न तो पानी मिल सकता है। पानी तो एवरीवेयर है लेकिन आप पानी पी नहीं सकते हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नो वाटर टू ड्रिंक, ठीक है, कॉलरिज की पोएम है, एसटी कॉलरिज की। तो ये कहना चाहते हैं कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा वहाँ पे टफ होती है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब यहाँ पर आगे ये भी कहना चाहते हैं कि जो वहाँ पे लाइफ होती है समुद्र में बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, जबकि जो लैंड की लाइफ होती है वहाँ पे आप प्रचुर मात्रा में खाना खा सकते हैं, वाइन भी पी सकते हैं, हर प्रकार की खुशियाँ आपको मिल जाएगी यदि आप ज़मीन पर रह रहे हैं। और ये जो ज़िंदगी होती बहुत ही टफ होती है, इसी चीज़ को एक मल्लाह ने अपनी पोएम्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, जिसको हम बोलते हैं सी फारर। आई होप कि ये भी पॉइंट आपको समझ आया होगा। तो हम अगली पोएम्स की बात करेंगे, द वांडरर। वांडर के माने होता है घुमक्कड़ या बंजारा। वांडरर यानी कि इधर उधर घूमने वाला, घूमने फिरने वाला। तो वांडरर के बारे में डिस्कस करेंगे।
जैसा कि इसके चैप्टर के नाम ही से पता है, वांडरर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इधर उधर घूमता है, उसी को बोलते हैं वांडरर। तो जो वांडरर होता है ये क्या करता है, ये चूंकि इसका जो लॉर्ड है, जो इसका मालिक होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी वजह से ये जो वांडरर होता है इसको निकाल दिया जाता है। जब इसको निकाल दिया जाता है तो ये वहाँ से चल देता है और ये समुद्र से सेल करके जा रहा होता है। आप सभी को पता है कि समुद्र के रास्ते बहुत ही टफ होते हैं, तो उसकी जो परेशानियों को झेलते हुए जा रहा होता है और एक नए लॉर्ड की, नए मालिक की तलाश कर रहा होता है ताकि अपनी ज़िंदगी को आराम से रह सके। तो एक न्यू लॉर्ड की तलाश करता है, क्योंकि इसके पास न तो कोई फ्रेंड बचा हुआ है और न ही इसके पास कोई कंफर्ट या आराम बचा हुआ है, न तो इसके पास की खुशियां बची हुई हैं, और ये चाहता है कि अगर उसको दूसरा मालिक मिल जाएगा तो उसकी खुशियां फिर से वापस आ जाएगी। लेकिन ये दूसरे मालिक को तलाश करने में नाकाम हो जाता है और ये इसी चीज़ को इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। फाउंड नन, यानी कि कोई भी लॉर्ड इसको नहीं मिलता है, ये इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगली जो पोएम आपकी है ड्रीम ऑफ रूड, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो रूड है, ये जो वर्ड रूड है, इसकी मीनिंग आपके एग्जाम में पूछी गई है कि रूड की मीनिंग क्या होती है। तो ड्रीम आप सबको होता है, ड्रीम माने स्वप्न होता है या ख्वाब होता है, रूड माने क्रॉस होता है। ये कौन सी क्रॉस होता है, तो ये जो क्रॉस होता है, वन मिनट, ये जो क्रॉस होता है इस टाइप की, जो जीसस क्राइस्ट टाइप का जो होता है, इस क्रॉस की बात कर रहे होते हैं, तो ये रूड के माने क्रॉस होता है, ठीक है। इसमें इसको भी अलिटरेटिव वर्स में लिखा गया है, वर्सली बुक मैन्यूस्क्रिप्ट में ये है, और ये एक रिलीजियस पोएम है, ठीक है, और ये एक ड्रीम पोएम है, जैसे कि इसके टाइटल से पता चल रहा है कि एक ड्रीम पोएम है। इसकी स्टोरी क्या होती है, तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से होती है कि इसमें जो पोएट होता है वो एक अननोन पोएट है। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से होती है, एक जो इसमें पोएट होता है वो एक ब्यूटीफुल ट्री को देखता है। जब वो स्वप्न या ड्रीम देख रहा होता है तो उसमें एक ब्यूटीफुल ट्री को देखता है, जिसमें वो रूड यानी कि क्रॉस को देखता है, और वो देखता है किस तरह से उस पेड़ के ऊपर क्राइस्ट को जो है क्रूशिफाई किया गया था, उनको सूली पे चढ़ाया गया था। तो ये सारी चीज़ को उसमें देखता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसी चीज़ को इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। इस पोएम को जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है कि रूड की मीनिंग क्या होती है। तो ये जो रूड होता है इसकी मीनिंग क्रॉस होती है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब हम क्या करेंगे, ये कुछ फेमस पोएम्स थी इस समय की जो हमने डिस्क्राइब किया आप सभी के सामने। अब हम क्या करेंगे, इस समय के कुछ फेमस राइटर्स हैं, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के कुछ फेमस राइटर्स हैं, तो इन राइटर्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी पॉइंट्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो बीड है, इस समय का एक बहुत ही फेमस राइटर है, लैटिन में लिखता है, कैडमैन हो गया, साइन वुल्फ है, अल्फ्रेड द ग्रेट है, ये चार राइटर जो कि इस समय बहुत ही फेमस होते हैं। तो इन सभी के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बीड की बात करेंगे, तो बीड को हम कई रूप में जानते हैं। एक तो बीड को हम जानते हैं सेंट बीड, द वेनरेबल बीड। वेनरेबल के माने होता है सम्मानीय, रिस्पेक्टेबल। वेनरेबल की मीनिंग क्या होती है, सम्मानीय होते हैं, आपके एग्जाम में सिनोनिम एंटोनिम में पूछा गया है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रिमेंबर दिस। वेनरेबल मीन्स होता है सम्मानीय, वेनरेबल बीड या बीड द ग्रेट, ये तीन नाम से जाने जाते हैं। तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम याद रखेंगे। बीड को हम तीन नाम से जानते हैं, एक तो सेंट बीड, द वेनरेबल बीड, बीड द ग्रेट। ये जो बुक इनकी है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, जिसको लैटिन में लिखा गया है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये जो बुक है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसको लैटिन में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन इसी से बनेगा, जो एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल है इसका राइटर कौन है, तो आप बताएंगे इसका राइटर बीड है। थर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, जो बीड है ये किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो ये एर्थ सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं, जो बीड होते हैं, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री कहा जाता है। याद रखेंगे, फादर ऑफ इंग्लिश नहीं कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। फादर ऑफ इंग्लिश जो होता है, फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री इन्हें कहा जाता है, और फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे जो होता है वो सर फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे चार्ल्स लैम को कहा जाता है, और फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है सर माइकल इमेंटेन को कहा जाता है। तो ये कहे कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री कहा जाता है इन्हें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। अगला जो हमारे पास पोएट है कैडमैन है।
कैडमन की एक ही सर्वाइविंग पोएम है जिसको कैडमन्स हिम के नाम से जानते हैं, यही एक इनकी सर्वाइविंग पोएम है। और ये 9 लाइंस की पोएम है जिसको लिटरेरी वर्क्स में लिखा गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जितने भी वर्क्स लिखे गए हैं आपके ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में, ये सारे लिटरेरी वर्क्स ही में लिखे गए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये फर्स्ट पोएट होता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का, याद रखेंगे। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा हु इज़ द फर्स्ट पोएट ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, आंसर हो जाएगा कैडमन। कैडमन इज़ द फर्स्ट पोएट ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। सॉन्ग्स ऑफ प्रेज, इन्होंने जो सॉन्ग्स जो इन्होंने लिखा है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इन्हें गॉड की प्रशंसा इसमें की है और गॉड की क्रिएशन की, जिस चीज़ को इसने पूरी ज़मीन आसमान बनाया है इसमें सारी चीज़ जो क्रिएट किया है, तो गॉड के क्रिएशन की प्रशंसा की है और गॉड की प्रशंसा की है अपनी पोएम में। तो सेकेंड हमारा क्या हो गया, कैडमन हो गया। अगले पोएट की हम बात करते हैं, तो जो अगला पोएट है इसमें साइनवुल्फ होगा। साइनवुल्फ है, इन्होंने भी रिलीजियस कंपोजिशन यानी कि रिलीजियस पोएम इन्होंने भी लिखी है और ये बहुत बड़ी बड़ी लाइंस का प्रयोग किया इन्होंने। इनकी पोएम से कब याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि फेस और अपोस्टल ये किसकी पोएम है, आपके एग्जाम में पूछी गई है। जूलियाना है, एलिन भी पूछी गई है किसके द्वारा लिखी गई है, तो फेस और अपोस्टल है इसको साइनवुल्फ के द्वारा लिखी गई है, एलिन भी साइनवुल्फ के द्वारा लिखी गई है, जूलियाना और क्राइस्ट सेकेंड भी लिखी गई है कैडमैन के द्वारा, सॉरी साइनवुल्फ के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसको आप याद रखेंगे। किंग अल्फ्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग है, इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही रखेंगे कि जो किंग इंग्लैंड होता है, तो जिस समय ये इंग्लैंड में रूल कर रहे होते हैं, इंग्लैंड को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसमें से जो एक पार्ट होता है जिसको वेसेक्स के नाम से जानते हैं, वो बहुत ही पावरफुल हिस्सा होता है जहाँ पे किंग अल्फ्रेड रूल कर रहे होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा वेसेक्स का किंग कौन होता है, तो आप बताएंगे किंग अल्फ्रेड होते हैं। सेकेंड होता है ये जो बुक होती है, बहुत सारी बुक्स को लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और किन्होंने ट्रांसलेट किया है, तो किंग अल्फ्रेड ने ही ट्रांसलेट किया है। जब ये अपने सल्तनत यानी अपने तख्त पर बैठे ये, तो अल्फ्रेड ने क्या किया कि ये कई साल तक ये फाइट करते रहे वाइकिंग से, जैसा कि आपको बताया इससे पहले कि ये वाइकिंग के अटैक को इन्होंने रोका था, वाइकिंग से युद्ध भी लड़े थे, तो कई सालों तक ये वाइकिंग से अटैक को रोकते रहे, उनसे युद्ध करते रहे। और उसके बाद में क्या हुआ, इनको एक डिसाइसिव बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री हुई, और ये विक्ट्री कब हुई, 878 में हुई। उसके बाद में इनके साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि अब दोबारा से अटैक नहीं किया जाएगा ना ही युद्ध किया जाएगा। इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इन्होंने इंक्रीज किया था एजुकेशन, जो भी होगा इन्होंने बताया कि जो एजुकेशन होगा उसको ओल्ड इंग्लिश एजुकेशन होगा उसको ओल्ड इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा, ना कि लैटिन में। इस चीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि जो भी एजुकेशन होगी उसको ओल्ड इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा, ना कि किसी अदर लैंग्वेज या लैटिन में प्रोवाइड किया जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, मोनार्क माने होता राजा, अल्फ्रेड जो किंग अल्फ्रेड होते हैं एक ही ऐसे किंग होते हैं जिनको हम द ग्रेट के नाम से जानते हैं, यही ऐसा किंग है जिसको ग्रेट का टाइटल मिला है, बाकी किसी को भी ग्रेट का टाइटल नहीं हुआ। एपिथेट यहाँ पे जो यूज किया गया है इसके माने टाइटल होता है, तो ये किंग अल्फ्रेड है, इन्हीं को ग्रेट का टाइटल मिला हुआ है, बाकी किसी को भी ग्रेट का टाइटल नहीं मिला हुआ है। आई होप कि यहाँ तक के पॉइंट आप सभी को समझ आ गए होंगे। तो इसके बाद में कुछ क्वेश्चन है जो हम MCQs के माध्यम से रखे हैं, अभी जो चीज़ें आपने स्टडी की है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आई होप कि वो क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार में बहुत ही कम लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं। अगर एक बार में नहीं समझ आए, वीडियो को दोबारा से देखेंगे, फिर से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, आई होप कि आपको जरूर समझ आएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है द मोस्टर ग्रेंटल अपियर्स इन द पोएम, ये जो मोस्टर ग्रेंटल होता है ये किस पोएम में आता है, किस पोएम में इसको यूज किया गया, इस कैरेक्टर को आपको बताना है। फर्स्ट है विडसिट, सेकंड है ट्वेर्स लेमेंट, थर्ड है ब्यूल्फ और डी है वाल्डेयर, ये कोई ऑप्शन गलत हो गया है। तो आप सभी को पता है कि जो मोस्टर होता है किस में आता है, ब्यूल्फ में आता है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोएम इन इंग्लिश ब्यूल्फ इज, ये यहाँ पे ब्यूल्फ याद रखेंगे, W है,
वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोएम्स इन इंग्लिश बीवुल्फ इज बाय, ये कहना चाहते हैं ये एक बहुत ही ओल्डेस्ट पोएम है, उसमें से एक पोएम है, और ये किसके द्वारा लिखी गई, बीवुल्फ किसके द्वारा लिखी गई आपको बताना है। फर्स्ट है कैडमन, सेकंड है साइनवुल्फ, थर्ड है बीड, फोर्थ है ऑथर इज नॉट नोन। आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो जैसा कि आप सभी को स्टार्टिंग में बताया गया था 3100 समथिंग इसकी लाइनें हैं, और इसे लिखा गया है किसके द्वारा, तो एनोनिमस राइटर था, उसके राइटर का पता नहीं है। सो द आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है द थ्री डैश ट्राइब्स केम टू इंग्लैंड इन द मिडल ऑफ फिफ्थ सेंचुरी, ये कहना चाहते हैं कौन सी ट्राइब होती है। अभी अमित जी क्वेश्चन आप कर रहे थे, आपके क्वेश्चन वही क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे क्या आंसर होगा। कौन सी तीन ट्राइब थी जो कि इंग्लैंड में आई थी इन द मिडल ऑफ फिफ्थ सेंचुरी, पांच सेंचुरी की मिडल में। सी बिल्कुल सही, सी इसका आंसर, अगर आप सी कर रहे हैं थर्ड का तो आप सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जर्मेनिक ट्राइब। अभी आपको हमने बताया था कौन सी ट्राइब थी, जर्मेनिक ट्राइब थी, और कौन कौन से थे, एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स, ये तीन ट्राइब थी जो कि इंग्लैंड वहां से ब्रिटेन में आई थी। जी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है द पोएम विट्सित प्रोबेबली द ओल्डेस्ट इन इंग्लिश इज अबाउट, अभी हम विट्सित के बारे में बात कर रहे थे कि जो पोएम विट्सित है इसमें किस चीज के बारे में डिस्क्राइब किया गया। पर पहला है फाइट बिटवीन किंग एंड मॉन्स्टर, किंग और मॉन्स्टर के बीच में फाइट को डिस्क्राइब किया गया है। सेकंड पर्सनल अकाउंट ऑफ द मिनिस्टर्स लाइफ, एक मिनिस्टर यानी कि एक मिनिस्टर होता है उसकी लाइफ के पर्सनल अकाउंट को डिस्क्राइब किया गया है। थर्ड है अकाउंट ऑफ लाइफ ऑफ किंग, किंग के लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, उसके पर्सनल लाइफ को उसने डिस्क्राइब किया है विट्सित पोएम में। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का, विच जर्मेनिक ट्राइब्स केम टू इंग्लैंड इन द मिडल ऑफ फिफ्थ सेंचुरी, ये कहता है फिफ्थ सेंचुरी के मिडल में कौन से जर्मेनिक ट्राइब्स आए थे। अभी हमने कई बार आपको बता दिया, ओके अमित जी, तो इसमें से आपको बताना है कौन सी जर्मेनिक ट्राइब्स होती है जो कि इंग्लैंड में आती है फिफ्थ सेंचुरी की मिडल में। पहला ऑप्शन आपके पास जो है वो जूट्स एंड एंगल्स है, सेकंड है सैक्सन्स, थर्ड है ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, और डी में जूट्स है। तो आप सभी को पता है कि तीन ट्राइब्स आती हैं, और तीनों ट्राइब किसमें दे रखी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश लर्निंग का फादर किसे कहा जाता है यह आपको बताना है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग, सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग, पर्सनल लाइफ, बिल्कुल सही आंसर है। तो अमित जी आपके पास टाइम है, आप इसमें बताइए कौन सा आंसर सही होगा। सेक्शंस, तो फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बीड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, ये तो आंसर आपको पता होगा, अभी हमने डिस्कस किया है। एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, इसको किसके द्वारा लिखा गया है, फर्स्ट है कैडमन, सेकंड है साइनवुल्फ, थर्ड है बीड, फोर्थ है किंग अल्फ्रेड। तो किसके द्वारा लिखा गया है, इसको लैटिन में लिखा गया था और इसे लिखा गया है बीड के द्वारा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द डाइडेक्टिक पोएम क्राइस्ट इज रिटन बाय, जो डाइडेक्टिक पोएम क्राइस्ट है ये किसके द्वारा लिखी गई आपको बताना है। बीड बिल्कुल सही आंसर है अमित, क्राइस्ट पोएम किसके द्वारा लिखी गई आपको बताना है। इसे लिखा गया है साइनवुल्फ के द्वारा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट पैरा
फ्रेजेस, जेनेसिस, एक्सोडस एंड डैनियल। ये जो पैराफ्रेज होते हैं, जेनेसिस है, एक्सोडस है और डैनियल, ये किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है कैडमन, सेकंड है साइरवुल्फ, थर्ड है बीट, फोर्थ है किंग अल्फ्रेड। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट कैडमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, हु ट्रांसलेटेड बीट्स हिस्ट्री इनटू इंग्लिश इन एंग्लो सैक्सन पीरियड। ये जो बीट की हिस्ट्री थी, एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, इसको इंग्लिश में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था? जैसा कि आप सभी को पता है, इसको लैटिन में कंपोज किया गया था, इसको इंग्लिश में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके पास है कैडमन, सेकंड है साइनवुल्फ, थर्ड है बीट, फोर्थ है किंग अल्फ्रेड। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, किंग अल्फ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हु कंट्रीब्यूटेड टू इंग्लिश सेक्शन क्रॉनिकल। इंग्लिश का जो सेक्शन क्रॉनिकल है, इंग्लिश को सेक्शन क्रॉनिकल में किसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था आपको बताना है। 11th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यू हैव 10 सेकंड्स टाइम टू आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा किंग अल्फ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ्रेड बिकेम द किंग ऑफ वेसेक्स। ये जो किंग अल्फ्रेड होते हैं, ये किस साल वेसेक्स के किंग बने थे? फर्स्ट है 1871, सेकंड 901, थर्ड 547 और डी है 878। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 871 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, डैश इज कंसीडर्ड एज नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड। अभी आपको बताया था इसमें से कौन सा एक है जो कि इंग्लैंड का नेशनल एपिक माना जाता है, इंग्लैंड का नेशनल एपिक। तो फर्स्ट है विडसिथ, सेकंड है द क्राइस्ट, थर्ड है बियोवुल्फ और डी है ड्रीम ऑफ द रूट। करेक्ट आंसर इज सी, बियोवुल्फ को, ये बी है, बियोवुल्फ को नेशनल एपिक माना जाता है इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, हैरोल्ड द लास्ट ऑफ द सेक्शंस किंग डिफीटेड इन। हैरोल्ड जो था वो सेक्शन का लास्ट किंग था। आप सभी को पता है कि हैरोल्ड का जो बैटल हुआ था ड्यूक विलियम से हुआ था, और हैरोल्ड जो डिफीट हुआ था, किस युद्ध में इसको डिफीट मिली थी? तो जो नॉर्मन कंक्वेस्ट होता है उसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, ठीक है। तो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 1066, सेकंड है बैटल ऑफ वेल्ड मोर 878, बैटल ऑफ नॉर्थम्ब्रियन 867, नाम अब। तो ये इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जो नॉर्मन कंक्वेस्ट होता है, जो नॉर्मन कंक्वेस्ट होता है, उसको हम बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से भी जानते हैं, और ये 1066 में होता है। सो ए इज द राइट आंसर। और इसमें हैरोल्ड को जो हैरोल्ड द किंग ऑफ डिफीटेड, ये जो हैरोल्ड होता है इसको डिफीट किया था, किसने डिफीट किया था? तो ड्यूक विलियम ने डिफीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, नॉर्मन कंक्वेस्ट, नॉर्मन कंक्वेस्ट कब होता है, यानी कि नॉर्मन कब जीतते हैं? तो वही सेम क्वेश्चन से, बैटल ऑफ द हेस्टिंग्स, बैटल ऑफ वेल्डमोर, बैटल ऑफ नॉर्थम्ब्रियन। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, पैगन लिटरेचर क्या है आपको बताना है। फर्स्ट है बिलीव्स इन गॉड एंड रिलीजन, सेकंड डू नॉट बिलीव्स इन गॉड एंड रिलीजन, थर्ड बिलीव्स इन क्रिश्चियनिटी, डी है नन ऑफ द अबव। तो जो पैगन लिटरेचर होते हैं, ना तो ये गॉड में विश्वास करते हैं, ना ही रिलीजन में विश्वास करते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। अब आपको बताना है कि टाइमलाइन ऑफ एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ये जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड होता है या फिर एंग्लो सैक्सन का पीरियड होता है, कब से कब तक का होता है? तो आप सभी को पता है कि एंग्लो सैक्सन का जो स्टार्ट होता है पीरियड 450 से स्टार्ट होता है, और उसके बाद में जब यहाँ पे नॉर्मन का अटैक होता है 106 इसमें, तभी से इनका पीरियड खत्म हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, 450 से 1066, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम एंड्रीज फीनिक्स ड्रीम ऑफ द रूट डिसेंड्स इनटू हेल एंड वंडर आर द एट्रीब्यूटेड टू। ये किसके द्वारा लिखी गई आपको बताना है, हेस्टिंग्स का बैटल 1066। तो साइनवुल्फ स्कूल ऑफ राइटर्स, कैडमन स्कूल्स ऑफ राइटर्स,
नॉर्थम्ब्रियन स्कूल्स ऑफ पैगन राइटर्स। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट साइनवुल्फ स्कूल ऑफ राइटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, हु रोड द फेज ऑफ द अपोस्टल एंड एलिन। अभी आपको बताया था कि ये दोनों किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो फर्स्ट है साइनवुल्फ, सेकंड है कैडमैन, थर्ड है बीट, फोर्थ है बियोवुल्फ। आपको टाइम दे रहा हूं मैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था, आपको बताया था कि एग्जाम में पूछा गया है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर साइनवुल्फ। अमित कुमार 110 to 1066, 110 ऑप्शन में है नहीं तो इसलिए 150 से कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, बीवुल्फ इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ। बीवुल्फ जो होते किसकी स्टोरी पर बेस्ड है, फर्स्ट है मॉन्स्टर एंड किंग, सेकंड है बर्ड एंड किंग, थर्ड है पीपल एंड किंग, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो सभी को पता है कि ये जो स्टोरी होती है किस पे बेस्ड है, मॉन्स्टर पे, और किंग, किंग इसमें होता है, ठीक है, और दूसरा मॉन्स्टर होता है, हरोदगर उस समय का किंग होता है और मॉन्स्टर उसी पे बेस्ड है। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल इज अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स फ्रॉम 2 सेंचुरी। ये एंग्लो सैक्सन जो इवेंट्स होता है कब से कब तक के रिकॉर्ड है आपको बताना है, तो इसमें से चूज करके आप बताएंगे कौन सा इसका सही आंसर होगा। फर्स्ट है 6 to 7th, सेकंड है 7 to 9th, और नेक्स्ट है 9th to 10th, और डी है 11 to 13th। तो ये जो एंग्लो सैक्सन का जो क्रॉनिकल होता है इसका रिकॉर्ड कब से कब तक के है, इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर होगा सी, और इसमें 9th to 11th है, इसको ध्यान रखेंगे, 10th नहीं 11th होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, हु ऑफ द फॉलोइंग इज गेटिश, गेटिश हीरो फ्रॉम एन अर्ली एपिक। इसमें का कौन सा एक गेटिश हीरो है, तो फर्स्ट है गेल गेनीज, सेकंड है बियोल्फ, थर्ड है यूलिसिस, फोर्थ है एनीज। करेक्ट आंसर बियोल्फ होगा, यही एक गेटिश हीरो है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड मेडिवल मिनिस्टर्स डू। ये जो मेडिवल में जो मिनिस्टर यानी कि जो मंत्री हुआ करते थे वो क्या काम करते हैं, मॉन्स्टर एक बिल्कुल सही आंसर है अमित जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो मेडिवल के जो मिनिस्टर हुआ करते थे वो क्या काम करते थे, पहला है सिंग्स बैलेड, बैलेड एक सॉन्ग होता है जिसमें कोई राइम स्कीम या किसी पर्टिकुलर मीटर या मीटर का फॉलो या किसी राइम को फॉलो नहीं करते हैं। फाइट इन वार, कलेक्ट टैक्सेस और डीज, तो ये बैलेड यानी कि बैलेड टाइप के सॉन्ग गाया करते थे, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, कैम्ब्रिज द स्कॉटलैंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। ये जो यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज, ये कब इस्टेब्लिश की गई थी आपको बताना है, किस सेंचुरी में, 11th, 12th, 13th, 14th, एंड द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज सी, 13th सेंचुरी में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066, नॉर्मन फ्रेंच वॉज द डोमिनेंट लैंग्वेज यूज्ड बाय। जब नॉर्मन कन्क्वेस्ट कर लेते हैं 1066 में, तो जो नॉर्मन फ्रेंच होती है ये लैंग्वेज बन जाती है, और ये डोमिनेंट लैंग्वेज होती है जो किसके द्वारा यूज़ की जाती है, फर्स्ट है ऑर्डिनरी पीपल, सेकंड है रिलीजियस पीपल, थर्ड है अपर क्लासेस, नेक्स्ट है फार्मर। करेक्ट आंसर इसका सी होगा, जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो नॉर्मल फ्रेंच का प्रयोग करते हैं, जो कि वहाँ के नॉर्मल जो लोग होते हैं, जो कि ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, वो अपनी पुरानी लैंग्वेज से चिपके हुए होते हैं, उसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, आफ्टर द नॉर्मन कंक्वेस्ट इंग्लैंड बिकेम 3 language nation फॉर एटलीस्ट 2 centuries, द 3 languages। ये कहते हैं कि जब नॉर्मन का कॉन्क्वेस्ट होता है तो उसके बाद में जो इंग्लैंड होता है वो 3 language का नेशन बन जाता है, और ये करीब 2 centuries तक कैसे रहता है, आपको बताना है कि वो 3 language कौन कौन सी है।
फर्स्ट है इंग्लिश फ्रेंच एंड जर्मन, सेकंड है इंग्लिश लैटिन एंड जर्मन, थर्ड है इंग्लिश फ्रेंच एंड लैटिन और डी है इंग्लिश फ्रेंच एंड ग्रीक। एंड द करेक्ट आंसर इज सी इंग्लिश फ्रेंच एंड ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है और ये है देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ रिलीजियस पोएम्स इन ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में बहुत सारे रिलीजियस पोएम्स हैं। वन ऑफ फाइनेस्ट इज द ड्रीम ऑफ द रूट, जिसमें से एक पोएम ड्रीम ऑफ द रूट है और आपको ये बताना है कि ये जो रूट है इस रूट की मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रूट, रूट की मीनिंग क्या है आपको बताना है। फर्स्ट है द क्रॉस, सेकंड है द क्रिश्चियन, थर्ड है द इनफिडेल और डी है द कार्डिनल। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट द क्रॉस। लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट थ्री जर्मेनिक ट्राइब्स इन्वेडेड ब्रिटोन्स इन द 5th century AD ब्रिंगिंग विद देम द रूट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। ये कहना चाहते हैं कौन सी तीन ट्राइब होती हैं जिन्होंने ब्रिटोन्स पे अटैक किया था 5th century AD में और अपने साथ मॉडर्न इंग्लिश के रूट को लेकर के आए थे। वो कौन कौन सी तीन ट्राइब थे जिन्होंने 5th century में अटैक किया था। आपके पास ऑप्शन है, पहला है डेंस सेक्शंस एंड सेल्स, थर्ड है सेल्स जूट्स एंड सेक्शन और डी है सेक्शंस डेंस एंड एंगल्स और सॉरी सी है सेक्शंस डेंस एंड एंगल्स, डी है जूट्स एंगल्स एंड सेक्शंस। आई विल वेट फॉर योर आंसर। आप अपने आंसर इसको जरूर करिए क्योंकि बहुत ईजी आंसर है। आई होप कि आप सबको इसका आंसर पता होगा, एक बार कमेंट करके बताएं आप। तो इसको जो सही आंसर होगा वो डी होगा, जूट्स एंगल्स एंड सेक्शंस। ये रही हमारे आज के क्वेश्चंस और इसका डिस्कशन। हमें उम्मीद है आप सभी को जरूर समझ आया होगा। वीडियो कैसी लगी आप चाहे तो कमेंट में एक बार जरूर मुझे बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।